हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रांडिंग में जो आपकी रिक्रूटमेंट आई है LDC पद पर, MTS और TA यानी टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर, उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, LBT कंडीशन के बारे में एंड नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही IFGTB की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन आपको नोटिफिकेशन में दोनों ही मिलेगा। बाकी आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 25 नवंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और लास्ट 25 नवंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, इसमें आपका MTS पद, LDC, NTA यानी टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए, 10th पास MTS के लिए, 12th पास LDC के लिए, BSc आपके पास होनी चाहिए बोनेटी या एग्रीकल्चर में टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए। एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 27 साल MTS के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। 18 से 27 साल यहाँ पे रखा गया LDC के लिए, एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको छूट मिलेगी। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल का यहाँ पे एज रखा गया है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पे एज में छूट मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स को, आप केयरफुली चेक करेंगे, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। बाकी डिटेल्स की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म फिल करने के बारे में। और आपको फॉर्म फिल करने से पहले पूरी नोटिफिकेशन को रीड करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म आवेदन अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा। जनरल इंट्रोडक्शन को केयरफुली रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करेंगे। फ्रेंड्स आपको फुल नेम देना होगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, आपको मोबाइल नंबर यहाँ दोबारा से कंफर्म करना होगा। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी फिल करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना फुल मेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पे आपको मेल आईडी आपका कंफर्म करना होगा। यहाँ पे मेल आईडी दोबारा से आपको फिल करना होगा। फ्रेंड्स मेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना होगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको अपना DOB यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ईयर कैलेंडर के हिसाब से आपको चाहे यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मंथ और डेट ऑफ बर्थ आपको डे आपको सेलेक्ट करना होगा। रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपको एक OTP प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना DO फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। चेक कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ केयरफुली डिटेल्स को, उसके बाद ये आप अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ तो ईयर मंथ एंड DOB आपको फिल करना होगा, साइन अप पे आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही साइन अप के आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपने क्वालिफाई यस या नो में आपको जवाब देना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने फादर नेम आपको डालना होगा। फादर नेम आप पे फिल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे मदर नेम फिल करेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। नेशनलिटी ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगी, इंडियन। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होगा। आप फुल एड्रेस डालेंगे, स्ट्रीट आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस रहेगा, आप यहाँ पे केयरफुली एड्रेस को फिल करेंगे। विलेज एंड टाउन आपको डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना होगा, स्टेट आप फिल करेंगे और पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद यदि आपका कोरिस्पोंडेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। यदि अलग अलग है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, मैनुअली आपको फिल करना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यदि आप एज रिलेक्शन चाहते हैं तो आप यस करेंगे, आपको यस करना होगा। और उसका टाइप ऑफ डिस आपको देना होगा, किस वजह से आप सिविल एम्प्लॉय हैं,
एक सर्विस मैन है, फिजिकली हैंडीकैप है, या आईसीएफआरई के एम्प्लॉय हैं, आप देंगे? नहीं है तो सीधा आपको यहाँ पे नो करना होगा। उसके बाद आप छूट चाहते हैं फीस में, तो आपको उसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, इन इन कैटेगरी को चूज करना होगा। और नहीं है, आपको छूट नहीं मिलती है, तो आपको यहाँ पे नो करना होगा और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 10th की और 12th की डिटेल्स फिल करनी होगी। एग्जाम पास आपको यहाँ पे 10th लिखना होगा। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट आपके जो भी सब्जेक्ट, आप अपने फुल सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। मैं आपको सैंपल ही तौर पे बता रहा हूँ, आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं 10th के अंदर, या अलग अलग सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज देनी होगी, ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया था 10th, वो भरना हो डालना होगा। उसके बाद आपको 12th यहाँ पे लिखना होगा, बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा, आपके पास सब्जेक्ट क्या थे, फुल सब्जेक्ट लिखने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सैंपल ही तौर पर समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, आप फुल डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं आप तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी होगी, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे 10th की मार्कशीट, यहाँ पे 12th की मार्कशीट, यहाँ पे आपको EWS से फॉर्म फिल करें तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, या आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जैसे चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा, जेपीजी फाइल होना चाहिए फोटो का। उसके बाद सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर भी जेपीजी फाइल में होना चाहिए। 10th की मार्कशीट भी आपकी जेपीजी फाइल में होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, वो भी आपकी जेपीजी फाइल में यहाँ पे होनी चाहिए। फ्रेंड्स, 12th की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, केयरफुली चेक करेंगे डिटेल्स को, उसके बाद ही आप लास्ट में सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ सबमिट करना होगा। फ्रेंड्स, जैसे आप सबमिट करेंगे, आप नेक्स्ट आपको पे का ऑप्शन देखना होगा, आपको पेमेंट करने के लिए पे पे क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करेंगे, आपका गेटवे यहाँ पे ओपन होगा। और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या QR जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डेबिट कार्ड नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डेट, CVV डालेंगे, कार्ड होल्डर नेम, बैंक नेम आपको डालना होगा और पे पे क्लिक कर देना होगा। जैसे पे पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक OTP प्राप्त होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, उसको सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे, सक्सेसफुली आपका फिल हो जाएगा OTP, आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले, अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम एज क्राइटेरिया, मल्टीटास्किंग के लिए 18 से 27 साल है, और 25/11/2022 लास्ट डेट से आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे काउंट होगा। एज पर गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे एज आपको रिलेक्शन देखने को मिलेंगे, जो आप चेक करेंगे। लोअर डिवीजन के लिए भी 18 से 27 साल एज पर गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे आपको छूट मिलेगी यदि आप एप्लीकेबल होते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, TA के लिए यहाँ पे दिया गया 21 से 30 साल एज रखा गया है, 25/11/2022 से अकाउंट होगा, और यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको एज में रिलेक्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, फीस की बात करेंगे, फीस यहाँ पे दिया गया है, यदि EWS कैंडिडेट हैं आप तो आपका टोटल जो फीस है ₹500। व्यूमैन है, ST से है, दिव्यांग है, ESM है तो आपका ₹250। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जनरल कैटेगरी के और जो कैटेगरी ₹1000, बाकी जो कैटेगरी है यहाँ पे ₹500। और TA के लिए ₹1500, EWS, OBC, NCL के लिए, और वुमेन, दिव्यांग, ESM के लिए ₹750 यहाँ पे रहने वाला है। फ्रेंड्स, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 17 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गया और 25/11 तक आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे स्कैन करके, और आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स को आपको देखने को मिलेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद रिटर्न स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके ओनली TN तमिलनाडु में ओनली आपके जो ऑल पोस्ट हैं जो रहने वाली है, OMR बेस आपका एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे रहने वाली है, इनकरेक्ट आप आंसर देते हैं तो यहाँ पे रहेगी। फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट आपका जो रहेगा नेचर और क्वालिफाइंग नेचर पर रहेगा, जो कि LDC
पद के लिए यहाँ पे रहने वाला है फ्रेंड्स। मल्टीटास्किंग के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, इंटेलिजेंट जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, न्यूमेरिकल अप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, 90 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है। यदि आप फिजिकली हैंडिकैप है तो आपको 120 मिनट का यहाँ पे समय मिलता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बात करेंगे, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक आएगी, 25 क्वेश्चन 50 मार्क के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, काउंट 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा और 80 मिनट का आपको जो कैंडिडेट डिस्क्राइब हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। 1/4 की आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, 1.5 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो टेयर सेकेंड होगा, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा 4 LDC पद के लिए, जिसके डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। TA के लिए बात करेंगे, TA के 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टी चॉइस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 hours का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिलता है फ्रेंड्स। जनरल अवेयरनेस इज इन 20 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन, रिलेटिव सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर बोनेटी से 40 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क रहेगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिट कार्ड के साथ, वो डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑल इंडिया सर्विस एबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आपको केयरफुली रीड करेंगे उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मंथ ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ऑल पोस्ट के लिए जनवरी एंड फरवरी 2023 में आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। मंथ शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे LDC पद में स्किल टेस्ट के लिए, उनका फरवरी मार्च में आपका टाइपिंग टेस्ट करवा दिया जाएगा। मंथ ऑफ LDC डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे मार्च 2023 में करवा दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट ऑल पद जो बाकी है उनके भी एंड ऑफ मार्च में 2023 में डॉक्यूमेंट्स और फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। बाकी डिटेल्स फुल सिलेबस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।